नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा समाज सेवी जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और मथुरा के समाज सेवी भी हैं। हैप्पी शर्मा जी, आपका प्रदेश खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप ही की मथुरा की लोकप्रिय सांसद और जो वर्तमान में सांसद है उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप युवा भी हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पहले तो राहुल जी, मेरी तरफ से आपको बधाई हो प्रदेश खबर चैनल की तरफ से। मैं एक सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारी प्रत्याशी हेमा मालिनी जी हैं, उनको जो इस वक्त इस राजनीति में आने का मौका मिला और उन्होंने जो मथुरा को उद्धार किया है, जो विकास किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद हूँ और बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। क्या विकास किया है उन्होंने? जो रेलवे हमारे मथुरा जंक्शन का रेलवे स्टेशन देखेंगे, हमारे मथुरा रेलवे स्टेशन की एक फर्स्ट एंट्री खाली जो पहले देखने में थी और अब देखने में है, आप उसमें काफी अंतर पाएंगे। मथुरा जंक्शन के तीनों स्टेशन की एंट्रियों को इस हिसाब से उन्होंने बना के तैयार किया है, इस मॉडल को तैयार किया है जिससे जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं, आने वाले यात्री हैं, उनको काफी सुविधाएं मिलती हैं। वह हम चाहते हैं आने वाले समय में अब हेमा मालिनी हमारी प्रत्याशी के रूप में हम देखना चाहेंगे और वो आगे इस मथुरा को उद्धार और हमारी मथुरा नगरी को इस तरीके से बना दें जैसे काशी अयोध्या बनी है, वैसी अब हमारी मथुरा बने। जैसे कि आप ही की प्रत्याशी जो बनाई गई है हेमा मालिनी, और मथुरा की जो सबसे बड़ी मांग थी, एक लोकल चेहरा चाहिए, सांसद लोकल चाहिए, हेमा मालिनी तो मिलती नहीं है, उनको कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में बदबू आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकल कोई एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। युवाओं को, लोगों को चाहिए विकास। हर किसी के जवान पे मथुरा और वृंदावन है आज की तारीख में कि कब मथुरा और वृंदावन उद्धार होगा, कब मथुरा वृंदावन का मॉडल अच्छा से तैयार होगा। तो हम सबको उसमें उम्मीद दिखती है कि हेमा मालिनी जी इस चीज को बहुत ही अच्छे से तय करेंगी और इसको बनाकर तैयार करवाएंगी। जैसे कि कॉरिडोर की जो संभावना चल रही है, क्या 24 के बाद कॉरिडोर बनने की संभावना है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं वृंदावन आता जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वृंदावन में जो कार्य चल रहा है इस वक्त वो बहुत सही चल रहा है। जिस भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है वो शायद आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही विशाल बनेगा, सभी जगह से सभी अच्छा हमारा मथुरा। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े थे युवा समाज सेवी कार्यकर्ता हैप्पी शर्मा, कॉन्ट्रैक्टर रेलवे, राहुल शर्मा की प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से रिपोर्ट।